कर गया था। सो लाहौर में आए हैं, लाहौर को होम ग्राउंड का एडवांटेज होगा, वो दो मैचेस जीत चुके हैं। सो कैसा मैच देख रहे हैं आप? देखिए टू बी ऑनेस्ट ये बात करूँगा कि टीम हम अच्छा नहीं खेले और बैटिंग भी अगर आप देखें तो बैटिंग भी हम इतना अच्छा नहीं खेले जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, और बॉलिंग से भी तो उम्मीद है कि हम कमबैक कर सकते हैं। क्रिकेट है, इसमें आप ऐसा कुछ नहीं कह सकते। और वेन्यू चेंज हुआ है, लाहौर आए हैं, लड़के फ्रेश है, प्रैक्टिस कर रहे हैं, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि यहाँ पे सारी चीज़ें न्यू होंगे, न्यू ग्राउंड, और कोशिश करेंगे कि यहाँ पे कमबैक करें और मैच जीतें। नसीम ये बताइए कि अब्दुल्ला शफीक, फ़खर जमान बड़ी फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं, तो क्या प्लानिंग की है, किस तरह से इन्हें आउट करना है, क्योंकि अभी तक जो भी हमने दोनों मैचेस देखे हैं उसमें अब्दुल्ला शफीक ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई। देखिए अच्छा खेल रहे हैं, नो डाउट, फ़खर भाई भी अच्छा खेल रहे हैं, अब्दुल्ला शफीक भी अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन जो हमारी स्ट्रेंथ है, जिस तरह हम बॉलिंग करते हुए आ रहे हैं, कोशिश करेंगे कि अपने स्ट्रेंथ पे रहें और उनके फॉर्म को कम देखें कि वो कितने फॉर्म में हैं, और अपनी बॉलिंग पे ज़्यादा फोकस करें, और उम्मीद है इंशाल्लाह कि उनको अच्छी बॉलिंग करें। अच्छा नसीम, मुकाबला फास्ट बॉलर्स के अंदर बढ़ता जा रहा है, 140 प्लस के बॉलर्स हमें दिखाई दे रहे हैं, तो कैसा देख रहे हो पाकिस्तान के लिए, और आपके ऊपर ड्यू है, काफ़ी परफॉर्मेंस लोग आपसे एक्सपेक्ट करते हैं? देखिए अच्छी बात है, जितना कंपटीशन बढ़ता है उतना ही मज़ा आता है। एज़ अ फास्ट बॉलर आपके पास PSL में आप देखते हो तो अच्छे क्वालिटी बॉलर मिलते हैं, लेकिन मैं यही बात कहूँगा कि एक आधे टूर्नामेंट से आप किसी को जज नहीं कर सकते, और आपको देखना चाहिए कि वो तीनों फॉर्मेट में कैसे खेलते हैं। जो भी बॉलर है, मैं किसी की भी बात नहीं कर रहा, मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ कि यू नो सम टाइम ऐसे होता है कि कोई टूर्नामेंट आपके लिए अच्छा नहीं जाता, आप अच्छी बॉलिंग कर रहे होते हो लेकिन लक आपके साथ नहीं होता, कोई चीज़ें ये क्रिकेट के साथ चलती रहती है। लेकिन मैं यही कहूँगा कि एज़ अ बॉलर आपको आइडिया होता है कि यार यू नो मुझे किस तरह बेहतर होना है और किस तरह तीनों फॉर्मेट में अच्छा खेलना है, आई थिंक ये चीज़ देखनी चाहिए। आप नसीम, हम देख रहे हैं हसनैन और आप जिस तरह से बॉल करते हैं, लेकिन उस तरह से दूसरी स्पोर्ट आपको बॉलिंग से नहीं मिल रही आप दोनों के अलावा, तो उस चीज़ से कितना प्रेशर पड़ता है आप दोनों पे, और परफॉर्मेंस पे कितना फर्क पड़ता है? देखिए सर, टीम जब आप अच्छा नहीं खेलते हो आप फिर ये नहीं कह सकते, आप जितने मर्ज़ी अच्छे बॉलर हो लेकिन, और जितने मर्ज़ी आप अच्छी बॉल करो, लेकिन एज अ टीम जब आप आपके परफॉर्मेंस अच्छी नहीं जा रही होती, तो एज अ बॉलिंग भी आप कह लो कि अगर आप की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं जा रही होती एज अ टीम, एज अ बॉलिंग यूनिट, तो आप फिर उसमें से जितनी मर्ज़ी अच्छी परफॉर्मेंस करो ना तो वो काउंट होती है, और ना तो उस टीम की इतनी डर होती है जिस जो टीम मैचेस जीतते हैं, और जो टीम अच्छी फॉर्म में होती है जो दूसरी टीम खेलती है उनके खिलाफ, तो उनको थोड़ा सा डर होता है। तो एज़ अ फास्ट बॉलर यही है कि एक दफ़ा आपकी बॉलिंग क्लिक करे और वो अच्छी बॉलिंग स्टार्ट करे और मोमेंटम मिले, तो आई थिंक फिर आप जिस तरह आप बॉलिंग करते हो तो आपकी बॉलिंग भी बेहतर होती है और आपकी परफॉर्मेंस भी काउंट होती है जब आपकी टीम जीतती है। तो आई थिंक यही है कि एज़ अ टीम हम इतना अच्छा नहीं खेले, और हमारी ये कोशिश है कि यहाँ पर हम कम बैक करें और अच्छा खेलें। आप भाई नसीम भाई, अभी आपने बॉल भी किया नेट पे, और दूसरा मार्टिन गुट्टर के साथ आपकी काफ़ी एक मैच चल रही थी, थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि क्या बात हो रही थी? बस देखिए नेट में तो अपनी मैच वाली बॉलिंग करते जिस तरह मैच में करते हैं, और कोशिश होती है कि बैट्समैन के साथ मैच खेला जाए जैसे मैच में खेलते हैं, यही बैट्समैन होते हैं जो हम फिर यू नो मैच में भी हमें खेल रहे होते हैं, तो हमारी नेट में ये कोशिश होती है कि हम इनके साथ ऐसा खेलें जिस तरह मैच में खेलते हैं। आप करें जी। लेकिन और बेहतरी की तरफ आप जाए, क्या हदफ क्या है? देखिए एज अ प्लेयर आप कोशिश करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से आप ये नहीं कह सकते कि आप PSL में आपने क्या टारगेट किया, और PSL में देखिए मुख्तलिफ बॉलर्स खेलते हैं, ठीक है, और T20 में आपने देखा हो, T20 में ऐसे ही होते हैं कि कोई भी बॉलर हो जिसके वो बॉल कर रहा हो, तो समटाइम आपके ऐसे होते हैं कि जितने आप अच्छे बॉलर हैं तो जितनी ज़्यादा आपसे एक्सपेक्टेशन होती है, इस बात के एक प्रेशर भी अपना होता है कि जो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं जिस जिस ग्राउंडों में आप खेले हो, जहाँ जहाँ पे आपने परफॉर्मेंस की होती है, सारी चीज़ें डिफरेंट होती हैं, और एक टीम पे भी डिपेंड करता है कि आपकी टीम कैसे खेल रही है, और फिर जितने मर्जी आप अच्छे बॉलर हो जैसे पहले भी मैंने कहा, लेकिन एज अ टीम आप अच्छा खेलते हो, एज अ बॉलिंग यूनिट आप अच्छा करते हो, तो आपकी बॉलिंग आपकी परफॉर्मेंस काउंट होती है,
और जब आपके यू नो टीम की अच्छी परफॉर्मेंस नहीं होती तो आप जितने मर्जी कोशिश कर लो आपके अच्छे बॉलों पे भी फिर बैट्समैन हिट मार लेते हैं, क्योंकि वो मोमेंटम उनको ऐसे मिला होता है, वो खेल ऐसे रहे होते हैं कि यू नो वो डर ख़त्म हो जाता है। तो आई थिंक ये भी चीज़ है। और जैसे मैंने बात की कि जगह चेंज हुई है, नई सिटी में आए हैं, यू नो कोशिश मेरा हदफ देखे मेरा हदफ ये है कि मैं हर मैच में कोशिश करता हूँ अपनी टीम को मैच जिताऊँ, अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दूँ, जो लोग एक्सपेक्ट करते हैं उस पर उतरूँ। लाइक मेरी कोशिश होती है हमेशा कि मैं अपनी बेस्ट बॉलिंग करूँ। इतना ज़्यादा लंबा मैं नहीं सोचता कि क्या होगा, अगर नहीं हुआ तो क्या होगा। देखिए क्रिकेट है, आप अपनी बेस्ट कोशिश करते हो, डे बाई डे आप नई चीज़ें सीखते हो, डे बाई डे आप और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करते हो। तो मेरी तो यही कोशिश है कि मैं अपनी बेस्ट बॉलिंग करूँ।